This is Pragya Srivastava, welcomes you all to Commerce Adda, and today we are going to discuss about the third topic of our first chapter of BRF, that is contract. Aur aaj ka topic hai kinds of contract. I have explained, maine apne pichle videos mein explain kiya ki contract kya hota hai, uska meaning kya hai, uske kya elements hote hain. What is the definition of contract? What are the essential elements of contract? कोई भी contract को valid बनाने के लिए क्या क्या essential elements होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने discuss की हैं. So now आज हम discuss करेंगे कि different kinds of contract. Contract कितने तरह के होते हैं. So let's start with our topic. तो सबसे पहला टाइप है valid contract. Valid contract means a contract which fulfill all the essential elements of a valid contract as laid down by section 10 of contract act. ठीक है? And is enforceable at law court by both the parties concerned. Such a contract is called valid contract. See, section 10 जो है contract act का, वो ये define करता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तब माना जाएगा जब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, वो सारे एलिमेंट्स उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फुलफ़िल किए गए हैं. ठीक है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. जिसे भी नहीं आइडिया है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स, गाइस आई बटन पे आप क्लिक करोगे, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा. अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी जा सकते हो, वहाँ मैंने लिंक मेंशन कर दिया है. तो गाइस गो थ्रू इट. ओके, फिर भी मैं समराइज़ कर देती हूँ. देखो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो क्या है, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस. मींस वन पार्टी जो है, दो पार्टीज़ में से एक पर्सन जो है वो ऑफ़र करता है, कोई भी प्रपोज़ल देता है, और जो सेकंड पर्सन है उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता है. ये पहला एलिमेंट है. सेकेंड एलिमेंट है, दोनों पार्टीज़ के बीच में अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे लीगल रिलेशन फॉर्म हो. मीन्स एक रिटन फॉर्मेशन होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए जिससे कि लीगल रिलेशनशिप दोनों पार्टीज़ के बीच में फॉर्म हो जाए. और इन केस अगर कोई भी पार्टी डंप करती है तो आप केस कर दो. ठीक है, थर्ड जो एलिमेंट था वो है लॉफुल कंसिड्रेशन. फोर्थ इज़ फ्री कंसेंट. कोई भी जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो लोगों के बीच में, उसमें कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए. जो दो पर्सन हैं वो अपने विलिंगनेस होने के साथ ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं. ठीक, नाउ फिफ्थ एलिमेंट क्या था, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सिक्स वॉज लॉफुल ऑब्जेक्ट. मीन्स ऐसे 9 एलिमेंट्स थे जो कि मैंने डिस्कस किया है, आप जा सकते हो, आप वहाँ से क्लियरली समझ जाओगे. ओके, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जितने भी ये 9 एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स जब तक फुलफ़िल नहीं होते हैं तब तक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा. अगर सपोज़ आपके 8 एलिमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं और एक जो है वो नहीं फुलफ़िल हो रहा है, देन इन दैट केस ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा. वैलिड मानने के लिए ये सारे जो 9 एलिमेंट्स हैं उन्हें पूरी तरह से हमें फुलफ़िल करनी है, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है. ठीक है, तो अगर ये 9 जो एलिमेंट्स हैं वो फुलफ़िल होते हुए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, देन इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रिज़ल्ट क्या है कि अगर कोई भी एक पार्टी दोनों पार्टीज़ के बीच में से अपना प्रॉमिस तोड़ती है या कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है उससे पीछे हटती है कि वो अपना कंडीशन नहीं फुलफ़िल करती है, तो आप उस नेक्स्ट पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकते हो. ठीक है, और सपोज इफ़ वन और मोर ऑफ दीज कंडीशंस आर लैकिंग सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी आइदर वॉइड, वॉइडेबल और इलीगल. अगर इन 9 एलिमेंट्स में से कोई भी एक या एक से ज़्यादा जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं होते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम या तो वॉइड सपोज करेंगे, या तो इलीगल सपोज करेंगे, या तो वॉइडेबल, वैलिड नहीं सपोज करेंगे. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट काइंड. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ void contracts.
ओके, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2J ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल. जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स को फुलफ़िल करते हुए, सारे एलिमेंट्स को फुलफ़िल करते हुए, जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हुए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ है. लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन हुआ है, वैलिड है, और बाद में उसे वॉइड घोषित कर दिया जा रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता हो कि लास्ट टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो. ऐसे कई भी कंडीशंस होते हैं, जैसे सपोज़ नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं, तो इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है. आप उस कंडीशन में केस नहीं कर सकते वो नेक्स्ट बंदे को, या दो पार्टीज़ जो हैं जिन्होंने साइन किया है, उस पार्टी में किसी एक पार्टी की डेथ हो जा रही है, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है वो उसके उसमें गवर्नमेंट का जो रोल है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जा रही हैं. मींस कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपके या फिर किसी भी ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होता है, अगर ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम वॉइड घोषित कर देंगे. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ओरिजिन से ही वॉइड नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तब से ही वॉइड है. कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है वैलिड है, और सारे एलिमेंट्स को फुलफ़िल करते हुए वैलिड हुआ है, तो बाद में अगर वॉइड हो रहा है तो उसके कई रीजंस होते हैं. कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, या फिर जो दो पार्टीज़ हैं उन्होंने डील किया कि कोई भी डील किया, उसमें से एक पार्टी का मेंटल कंडीशन बिगड़ जाता है, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है दोनों पार्टीज़ में से, जिसके जिससे भी रिलेटेड है, किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है, वो भी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. मींस द कंडीशन इन विच दो बोथ पार्टीज़ डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंट्रोल, उस कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो लेटर ऑन वॉइड हो जाता है. ठीक, आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे. गाइज, आपको नोट्स लेने हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप बाद में नोट डाउन कर लोगे, तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू. ओके, नाउ थर्ड काइंड इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल इफ इट हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री कंसेंट. If a contract has been created by fraud or misrepresentation, such contracts are voidable contract. जो 9 elements थे guys, उसमें से एक बहुत important जो element है वो है free consent. Free consent means what? कि अपनी इच्छा से जो person है, जो deal sign कर रहे हैं, जो contract sign कर रहे हैं, वो अपनी इच्छा से साइन कर रहे हैं. उनके ऊपर किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, या फिर कोई भी मजबूरी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो. अगर वो फ्री अपने इच्छा से साइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, देन तो इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बट अगर किसी प्रेशर के अंडर आके उन्होंने साइन किया, और लेटर ऑन किसी के डर की वजह से साइन किया, लेटर ऑन वो डर खुल गया, बाहर आ गई बात, तो उस कंडीशन में उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट घोषित कर दिया जाता है. ठीक है, एंड जिस पर्सन का जो फ्री कंसेंट नहीं था, जिसने मजबूरी में आके साइन किया था, उसे हम क्या कहते हैं कि एग्रीव्ड पार्टी. और उस एग्रीव्ड पार्टी को ये राइट होता है कि अपने सारे लीगल रिलेशनशिप जो हैं उस नेक्स्ट बंदे से उसे अवॉइड करे. ठीक है, मीन्स अगर दो पार्टीज़ में साइन हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक लीगल रिलेशनशिप दोनों पार्टी के बीच में साइन हो गया. बट इन केस जो सेकंड पार्टी है उसके ऊपर कोई प्रेशर था, आपने किसी तरह का प्रेशर दिया था उस पार्टी को साइन करने के लिए, तो बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल घोषित हो जाता है. और उस कंडीशन में जिस पार्टी पे प्रेशर था उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीव्ड पार्टी. ओके, और उस पार्टी के पास ये राइट होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को और लीगल रिलेशन को, दोनों को अवॉइड कर ले. ठीक है, और वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट से आराम से बाहर आ सकता है. ओके,
दिस इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. चलो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. सपोज बी है, एक पर्सन है बी और एक पर्सन है डी. बी ने डी से उसका स्कूटर ख़रीदा फ्रॉड के थ्रू, कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन किया या फ्रॉड किया और डी से उसका स्कूटर खरीद लिया 5,000 में, ठीक है. लेटर ऑन डी को इस बात का पता चलता है कि भाई उसके साथ धोखा हुआ है. तो अब डी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है, ये उसकी विश है. वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे और चाहे तो ना करे, ठीक है. लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता तो यहाँ पे वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं था, ठीक है, फ्रॉड के थ्रू साइन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट. बट इन केस उसके कैंसिल करने से पहले बी ने उसी स्कूटर को किसी और पर्सन को सेल कर दिया 7,500 में, तो देन उस कंडीशन में अब डी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है. सपोज़ आप हो, आपका फ्रेंड है और आपका एक और फ्रेंड है, मींस आप तीन दोस्त हो और आपके पास आपकी बाइक है, ठीक है. आपने आपके फ्रेंड ने कहा कि भाई मैं मुझे तुम्हारा बाइक अच्छा लगता है, मैं तुम्हें 5,000 दूंगा या 10,000 दूंगा और तुम मुझे अपनी बाइक दे दो, ठीक है. आपको पता नहीं क्या हुआ, आपने बस कह दिया कि ठीक है, आपने अपनी बाइक जो है वो अपने फ्रेंड को दे दी 10,000 में, ठीक. बाद में आपको पता चलता है कि भाई आपके साथ धोखा हुआ है, उसने कोई फ्रॉड किया आपके साथ. तो अब आप चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, ठीक. अगर आप कैंसिल कर दिए तब तो वो अवॉइडेबल हो गया, ठीक है. बट इन केस आपके कैंसिल करने से पहले आपके दोस्त ने उस बाइक को किसी और पर्सन को सेल कर दिया 15,000 में और उस बंदे ने एक अच्छी भावना के साथ उस बाइक को ख़रीदा है, तो अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब आपकी बाइक किसी और के पास जा चुकी है और आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. नाउ तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और लेटर ऑन पता चलता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो आप चाहो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, आप चाहो तो अपने लीगल ऑब्लिगेशन से बाहर आ सकते हो, ओके. और अगर आप ऐसा करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ओके गाइज. सो दिस वॉज द थर्ड काइंड. नाउ द फोर्थ काइंड इज अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज लीगल इन कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज अ कंडीशन दैट इज नॉट लीगल और द इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट. जस्ट सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हो सकता हो उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन है जो मिसरिप्रेजेंट किया गया है या सही नहीं शो किया गया है, ठीक है. हो सकता हो उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो जिसके बारे में आपको बाद में पता चला, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम अनइनफोर्सेबल घोषित कर देते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को उस लीगल रिलेशनशिप से हम बाहर आ सकते हैं, ठीक है. एंड द लास्ट वॉज इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच स्पेशली डिक्लेयर टू बी अनलॉफुल अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच गोज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ ऑफ द लैंड विच इज़ अदरवाइज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. कोई भी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हो गई है लेकिन वो पब्लिक के अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, आपके जो देश का कानून है उसके अगेंस्ट है, तो उसे हम अनलॉफुल घोषित कर देते हैं. जस्ट सपोज कि ए जो है वो अग्री करता है कि आई विल पे, सपोज ए एग्रीज टू पे ₹50,000 टू बी इफ बी किल्स सी, ठीक है. ए एग्री किया कि वो बी को ₹50,000 देगा अगर बी ने सी को मर्डर कर दिया. सो दिस इज़ एन इलीगल एग्रीमेंट. यहाँ पे जो
लॉ कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, और सपोज अगर बी ने सी को मार भी दिया तो यहाँ पे बी क्लेम नहीं कर सकता है ऐसे कि भाई मुझे मेरा पैसा दो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो खुद ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे उसे पैसे मिले या ना मिले, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। तो दिस इज़ इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। चलो एक बार समराइज कर देते हैं ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सबसे पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के एलिमेंट्स होते हैं, 9 एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल होने चाहिए। कोई भी एक एलिमेंट अगर उसमें से फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो उसे या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो वॉइड कहा जाएगा, या तो वॉइडेबल कहा जाएगा, या तो इलीगल कहा जाएगा। ठीक है, मीन्स ऑल द 9 एलिमेंट्स हैव टू बी फुलफिल्ड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड। ओके, दिस वॉज द फर्स्ट काइंड। सेकेंड क्या था? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कोई भी ऐसी कंडीशन, सपोज़ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जिसमें सारे एलिमेंट्स फुलफ़िल हुए हैं, वैलिड था स्टार्टिंग में, बट लेटर ऑन हो सकता है कि किसी जो दूसरी पर्सन है उसकी मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है, मेंटल कंडीशन बिगड़ जाती है, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, मीन्स ऐसी कोई भी कंडीशन आ जाती है जिससे जिसके थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता और उस कंडीशन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो देन इन दैट कंडीशन उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड घोषित कर देते हैं। ठीक है, थर्ड वॉज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और वैलिड था स्टार्टिंग में, लेकिन आपको बाद में पता चला कि भैया आपके साथ फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो देन उस कंडीशन में उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल घोषित कर देते हैं। ठीक है, और अपने लीगल रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट वाज एन अनइनफोर्सेबल। अनइनफोर्सेबल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, आपको स्टार्टिंग में लग रहा था वैलिड है, बट उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन था कॉन्ट्रैक्ट का वो इलीगल था, या फिर कोई टेक्निकल डिफेक्ट था, या फिर अब जो है वो गवर्नमेंट सॉरी लॉ के अंदर इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड द लास्ट इज इलीगल और अनलॉफुल। मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, जो मोटिव है वो अनलॉफुल है, कानून के हिसाब से वो मोटिव गलत है, पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो देन इट इज़ अ इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइज दिस आर द सिक्स काइंड्स ऑफ सॉरी फाइव काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर शोइंग योर पेशेंस टूवर्ड्स मी, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, because your one comments means me a lot. So guys, please subscribe. Thank you. Bye-bye.